परंपराएं इंसान के जीवन का आधार हैं। और अगर आधार ही कमजोर होता चला जाए तो उस पर बनी इमारत को ज्यादा देर तक बचा पाना मुश्किल हो जाता है। तेज रफ्तार जिंदगी में हर मोड़ पर कंपटीशन तगड़ा है। ऐसे दौर में हम अपने गौरवमयी अतीत और परंपराओं को भूलते जा रहे हैं। जिनकी याद तब आती है जब एक ढर्रे पर चलते चलते हम परेशान से हो जाते हैं। और विकल्प के लिए दोबारा उसी अतीत की ओर देखते हैं जिससे हम भागकर काफी आगे आ चुके हैं। इंडियन एजुकेशन सिस्टम का ढर्रा सालों साल से एक जैसा चला आ रहा है, जिसका नतीजा है सड़कों पर बढ़ी बेरोजगारी और अनस्किल्ड लोगों की भरमार। और इसमें बदलाव को लेकर बातें तो बहुत हुई हैं, मगर पहला कदम अब बढ़ाने की तैयारी है। ICHR यानी इंडियन काउंसिल ऑफ हिस्टोरिकल रिसर्च एक नए प्रपोजल की तैयारी में है, जिसमें हिस्ट्री रिसर्च के लिए प्राचीन भारतीय शिक्षा परंपरा गुरुकुल का इस्तेमाल होगा। बदलते दौर के साथ भले ही आज गुरुकुल जैसी प्राचीन शिक्षा प्रणाली आधुनिक शिक्षा प्रणाली से बाहर हो चुकी हो, लेकिन अब ICHR अपने ऐतिहासिक अनुसंधानों में इस गुरुकुल ट्रेडिशन को दोबारा इम्प्लीमेंट करने जा रहा है। दरअसल लगातार ऐतिहासिक अनुसंधानों में कमी आ रही है और जो नवीन शोध हैं वो सामने नहीं आ पा रहे। यही वजह है कि अब शोध को गति देने और उसे गहराई देने के उद्देश्य से अब जो शोध की शिक्षा प्रणाली है उसमें गुरुकुल पैटर्न को शामिल किया जा सकता है, और जल्द ही ICHR अपने इस रिसर्च पैटर्न में इसे शामिल करेगा। और इसके तहत जो हिस्टोरिकल एक्सपर्ट्स हैं, अलग अलग क्षेत्रों के एक्सपर्ट्स हैं और रिसर्चर हैं, वो एक साथ रह करके अनुसंधान करेंगे उस पारंपरिक पद्धति के अनुरूप जैसे गुरुकुल में शिक्षक और आचार्य और शिक्षक और जो छात्र थे वो मिलकर किया करते थे, उसी पैटर्न को अब ICHR आगे बढ़ाएगा। सवाल उठता है कि आखिर वक्त से पीछे मुड़कर देखने की जरूरत महसूस हुई क्यों? तो इसके लिए यूनिवर्सिटीज में होने वाले रिसर्च के लेवल और इंटरनेशनल कॉम्पिटिशन में पिछड़ते भारतीय स्टूडेंट्स की स्थिति पर गौर करना होगा। मौजूदा वक्त में हमारी यूनिवर्सिटी के शोध को छोड़ दीजिए, ओवरऑल वर्ल्ड लेवल पर जगह बनाने में हमें मुश्किल होती है। दुनिया की 500 यूनिवर्सिटी के लिस्ट में हम कभी कभार जगह बना पाते हैं। ऐसे में हिस्ट्री को लेकर भारतीय इतिहास अनुसंधान संस्थान यानी ICHR ने बदलाव की ओर कदम बढ़ाया है, ताकि प्राचीन परंपराओं के जरिए हम दुनिया को दिखा सकते हैं कि दरअसल हमारी सांस्कृतिक जड़ें कितनी गहरी हैं। आज के टाइम में तो बिल्कुल ये बहुत यूजफुल होगा, क्योंकि आज हम जो 21st सेंचुरी में देख रहे हैं कि जो एक गैप बनता जा रहा था कि जो टीचर्स एंड स्टूडेंट्स के बीच में जो गैप है, तो ये गुरुकुल पद्धति अगर स्टार्ट होता है, कहीं ना कहीं अगर इम्प्लीमेंट होता है, तो जो एक गैप है स्टूडेंट्स और टीचर्स के बीच में वो श्योर कम होगा। और इससे जो जो नए जो यूथ जो हैं, जो जनरेशन है, उसको बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। क्योंकि पिछले जो हमने देखा कि जो हमारा एंशियंट सिस्टम है वो गुरुकुल पद्धति पे ही है, और ये पूरे हमने पूरे वर्ल्ड को ये एक नया सिस्टम बताया कि हम इस सिस्टम से हम एक जो नेक्स्ट जनरेशन है उसको हम बहुत ही अच्छे वे में डेवलप कर सकते हैं। इससे बहुत हेल्पफुल होगा, इससे लोग बाग नए तरीके से नई टेक्निक से उस चीज़ को अच्छे तरह से समझ पाएंगे। बिकॉज किताबी नॉलेज और जो मतलब प्रैक्टिकल नॉलेज है इसमें बहुत ज़्यादा डिफरेंस है। एक बात कही गई है, हमेशा कही जाती है कि आप 10-20 किलोमीटर पैदल चल लें और 1000 पन्नों की बुक पढ़ लें, तो उसमें बहुत ज़्यादा डिफरेंस है कि जो आप पैदल चलेंगे तो उसमें आपको एक अलग तरह की नॉलेज होगी, आप प्रैक्टिकली उस चीज़ को एनालाइज कर पाएंगे। इस कोशिश के तहत अब प्राचीन गुरुकुल पद्धति में काम करने की योजना बनाई जा रही है और जल्द ही इसे लेकर प्रस्ताव लाया जा सकता है। इसके मुताबिक
प्राचीन भारतीय विज्ञान, टेक्नोलॉजी, आर्ट और आर्किटेक्चर के क्षेत्र के विशेषज्ञों को कम से कम 2 साल के लिए इस प्लान के साथ जोड़ा जाएगा और शोध छात्रों को बेहतर माहौल देने की कोशिश की जाएगी। इसके लिए बाकायदा शिक्षकों को स्टाइपेंड का भुगतान भी किया जाएगा ताकि ज्यादा से ज्यादा योग्य शिक्षक इसमें रुचि ले सके। दरअसल इन सब के पीछे उद्देश्य ये है कि शिक्षकों और छात्रों को एक साथ लेकर शोध का माहौल तैयार किया जाए और क्वालिटी रिसर्च को दुनिया के सामने पेश किया जा सके। इस कोशिश को लेकर छात्र भी उत्साहित नजर आ रहे हैं। एक नई चीज को एक नए मेथड के साथ अगर हम सामने रखेंगे तो उसमें एक तो इंटरेस्ट भी लोगों का बढ़ेगा और उससे जाहिर सी बात है जब लोगों का इंटरेस्ट बढ़ेगा तो वो पूरी तरह से इस पे अच्छी तरह से काम कर सकते हैं, क्योंकि उसमें अलग अलग तरह के लोग एक जगह पे इकट्ठा होकर तो उसमें आपके कल्चर एक दूसरे के साथ मेल खाते हैं, आप दूसरों की के कल्चर को, दूसरों की सोसाइटी को और नज़दीक से जान पाते हैं और इसमें आपसी जो तालमेल है वो भी बहुत अच्छा होता है। कि आजकल जो भी रिसर्च वर्क हो रहा है सिर्फ इधर से इकट्ठा किया उधर से इकट्ठा किया रिसर्च हो जाती है जो उसकी बुक बन जाती है। अगर ऐसा हो जाता है तो एक डेप्थ नॉलेज मिलेगी हमें करने के लिए और हमें कुछ सीखने के लिए मिलेगी और टीचर्स के साथ हमारा कम्युनिकेशन बहुत अच्छा होगा जिससे कि हमारी जो मतलब आने वाला जो एजुकेशन सिस्टम है उसमें बहुत अच्छा सुधार हो सकता है। आजकल का जो दौर है वो बिल्कुल अलग है स्टूडेंट और टीचर्स के बीच का और जिसे भरने के लिए ये पद्धति लाना बहुत ज़रूरी है। प्राचीन भारतीय इतिहास में ग्रह नक्षत्रों की गणना के जरिए खगोल शास्त्र से लेकर नक्षत्र शास्त्र तक की खोज की गई। आयुर्वेद के तौर पर मेडिकल साइंस को नई राह दिखाई गई। प्राचीन भारतीय परंपरा में बहुत कुछ ऐसा है जिससे नई पीढ़ी सीख सकती है, प्रेरित हो सकती है। भारतीय वेद वेदांग, पुराण, उपनिषद ग्रंथ, इन सब में बहुत कुछ ऐसा है। जिसे नई तकनीक से जोड़कर नए आविष्कार हो सकते हैं। बस जरूरत है इसे लेकर ईमानदार कोशिश करने की। ताकि सीखने वाले और सिखाने वाले दोनों के लिए समान अवसर मुहैया हो पाए, ICHR की ये कोशिश इसी दिशा में है। ऐसे में अब उम्मीद की जानी चाहिए कि शायद जिस नवीन इतिहास की, जिस तथ्य परक भारतीय इतिहास की हमें जरूरत है, इस नए अनुसंधान और इस नई गुरुकुल शिक्षा प्रणाली के बाद हमें वो हासिल हो पाएगा। गुरुकुल परंपरा भारत की पूंजी है, एक ऐसी परंपरा जिसमें शिष्य सिर्फ गुरु के सानिध्य में ही नहीं रहता बल्कि उसकी दिनचर्या भी गुरु के मार्गदर्शन में तय होती है। गुरुकुल परंपरा में शिक्षा का मतलब उसे जीना होता था। जाहिर है इस परंपरा को आधुनिकता से जोड़कर नए तरह का एजुकेशन सिस्टम डेवलप करना शिक्षा में सुधार की दिशा में क्रांतिकारी कदम हो सकता है। हाईटेक तरीके से बदल रही है, शिक्षा ने देखते ही देखते कारोबार का कब रूप धारण कर लिया ये आपको और हमको पता भी नहीं चला। नतीजा ये हुआ कि नौनिहाल संस्कारों को भूलते चले गए। पाश्चात्य रंग में युवा पीढ़ी ऐसी रंगी कि अपनी परंपराओं पर गर्व करना ही भूल गई। लेकिन बदलते वक्त के साथ साथ फिर जरूरत महसूस हुई है हमारी प्राचीन वैदिक परंपरा की। भले ही वक्त तेजी से बदल रहा है लेकिन आज भी पुरानी शिक्षा पद्धति को कई आश्रम और संस्थान संभाले हुए हैं।
इन गुरुकुलों के प्रयास से प्राचीन परंपरा आज भी कहीं ना कहीं जिंदा है। फिर चाहे बात ऋषिकेश की हो, वाराणसी की हो या फिर हरिद्वार की, ऐसे कई शहर हैं जहां गुरुकुल परंपरा को नौजवानों और बच्चों तक पहुंचाने का प्रयास किया जा रहा है। बात धार्मिक और पर्यटन नगरी ऋषिकेश की करें तो यहां आज भी प्राचीन गुरुकुल और आश्रम पद्धति के स्कूल मौजूद हैं, जहां शिक्षा के साथ साथ धार्मिकता और सामाजिक जीवन जीने की कला सिखाई जाती है। संस्कृत के अध्ययन केंद्र माने जाने वाले ऋषिकेश के भरत संस्कृत महाविद्यालय में शिक्षा निःशुल्क दी जाती है। आश्रम और गुरुकुल पद्धति का ये एक प्राचीन संस्थान है। यहाँ 8वीं और 9वीं शताब्दी का मंदिर है जिसमें भगवान भरत की पूजा की जाती है। इस मंदिर में सुबह विद्यार्थी सुबह 6 बजे और शाम को 6 बजे आकर पूजा अर्चना करते हैं और अपनी पढ़ाई के साथ साथ यहाँ भक्ति में भी सहयोग करते हैं। गुरुकुल परंपरा पर आधारित ये विद्यालय छात्रों में शिक्षा के साथ धार्मिक गुणों को भी विकसित कर रहे हैं। सुबह सूर्य की पहली किरण से लेकर सोने के वक्त तक हर चीज वैदिक परंपरा के तौर तरीकों से की जाती है। यहाँ पे जी है विद्यार्थी निःशुल्क है और भगवान के भरत मंदिर की तरफ से है, इनको फ्री शिक्षा है और भोजन दिया जाता है और रहने की खाने पीने की सब व्यवस्था है। विद्यार्थी की यहाँ पे ड्यूटी है कि सुबह शाम भगवान की आरती में आना है, आरती में आना है और भगवान की स्तुति बोलनी है, क्षमा प्रार्थना करना है और 4 परिक्रमा रोज की करनी है सुबह शाम। ये विद्यार्थी की यहाँ पे ड्यूटी है विशेष, और इनके लिए निःशुल्क है, कोई फीस नहीं है, कोई वो नहीं लेते इनसे। इनका फ्री पढ़ना लिखना, बस्तर भी इनसे मिलते हैं, खाना मिलता है, नाश्ता मिलता है, सुबह आरती के बाद इनको चाय मिलती है, फिर इनका वेद पाठ चलता है, यहाँ पे पढ़ाई चलती है, इनको सब विषय सिखाई जाते हैं और यहाँ से ये जो है मध्यमा पास करके फिर ये शास्त्रीय आचार्य में बड़े स्कूलों में जाते हैं। यहाँ देश के अलग अलग कोनों से छात्र गुरुकुल परंपरा के अंतर्गत शिक्षा ग्रहण करने आते हैं। गुरुकुल परिसर में छात्रों के रहने से लेकर खाने पीने तक का पूरा निःशुल्क इंतजाम है ताकि वैदिक परंपरा को बिना किसी कठिनाई के आगे बढ़ाया जा सके। यहाँ पे तो बच्चे बड़े दूर दूर से हैं, हिमाचल से हैं और कुमाऊं से हैं और प्लेन से भी रहते हैं, मथुरा से भी है, वृंदावन से भी, बड़े दूर, और गढ़वाल मंडली के उत्तराखंड के तो है, उत्तरांचल में तो ये विद्यालय है। तो यहाँ पे विद्यार्थियों की यही व्यवस्था है कि यहाँ पे जो है सब भगवान की तरफ से, भरत जी की तरफ से इनकी सब व्यवस्था है। यहाँ आने वाले छात्र भी गुरुकुल के नियमों को पूरे अनुशासन के साथ अपनाते हैं। सुबह 7 बजे, सुबह 5 बजे उठ के आरती करते हैं और फिर पढ़ाई पे 6 बजे से पढ़ाई लिखाई नहाते धोते हैं और 7 बजे विद्यालय से लगता है हमारा, फिर 7 से 1 तक पढ़ते हैं और फिर नीचे जा हॉस्टल में जाते हैं और फिर 6 बजे 7 बजे फिर आरती होती है और फिर 8 बजे खाना खाया जाता है और फिर नीचे 8-9 8:30 से 10 बजे तक पढ़ते हैं, उसके बाद फिर सोने का टाइम हो जाता है। इस गुरुकुल में शिक्षा के साथ साथ भोजन भी सात्विक मिलता है। आश्रम और गुरुकुल पद्धति का ये महत्वपूर्ण स्थान है, ये है भरत मंदिर महाविद्यालय का भोजन कक्ष। इस भोजन कक्ष में बैठ के जो दूर दूर से विद्यार्थी आते हैं वो शिक्षा ग्रहण करने के बाद भोजन करते हैं। आप देख सकते हैं मेरे पीछे पूरी एक बड़ी रसोई है जहाँ उन्हें शास्त्रीय पद्धति के साथ भोजन कराया जाता है, भोजन मंत्र के साथ वो भोजन की शुरुआत करते हैं। ऋषिकेश में ही श्रावणी पर्व भी मनाया जाता है। शास्त्रों में मान्यता है कि आज ही के दिन से वेद और कर्मकांड का अध्ययन करने वाले वेद पाठी उपनयन संस्कार के बाद गुरुकुल में दीक्षा आरंभ करते हैं। तीर्थ नगरी ऋषिकेश में ये पर्व संस्कृत का अध्ययन करने वाले छात्रों के लिए विशेष महत्व रखता है। ऋषिकेश से आशीष डोभाल की रिपोर्ट।